पर 5 रुपए पार करके ही तो होगा। अगर ये 50 रुपए में शेयर जाएगा तो पहले 5 रुपए में आएगा सर, ये छोटी सी बात है सर। रात को आते हैं तो उनके लिए ये वीडियो मैं बनाता हूँ सर, लेकिन जो ज्यादा एक्सपर्ट है ना उनके लिए मेरी वीडियो समझ में नहीं आएगी उनको, क्योंकि वो तो अपनी हवा में घूमते हैं। के भी पोर्टफोलियो में 10 शेयर हैं, यानी 10 कंपनियों के शेयर हैं, 20 कंपनियों के शेयर हैं, या ज्यादा भी हो सकते हैं, मिनिमम 20 नहीं छोड़ना है। एक ऐसी चीज बताऊंगा जिसकी वजह से आप अपने पोर्टफोलियो को ज्यादा अच्छा कर सकते हो सर। देखो, अगर किसी के भी इस चीज से मुझे चैलेंज मत करो सर कि मैं जेपी पावर का भविष्य बता रहा हूँ, मैं जेपी पावर के काम बता रहा हूँ सर, और वो ही आ रहा हूँ। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से, और आज बात करेंगे सर जेपी इंफ्रा की, क्योंकि इसके अंदर भी काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं सर इस शेयर में करना क्या है, और बात करेंगे सर जीटीएल इंफ्रा की, और बात करेंगे अब वोडाफोन आइडिया में हमें क्या अपनी एक अलग से दृष्टि बनानी चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे सर। इन सब के बारे में सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि कल मैंने जेपी पावर को आपको अडानी पावर से जोड़कर जो बताया था कि जो कोयले से बिजली बन रही है वो कहीं भी जाने वाली नहीं है, और आपको जेपी पावर अब से तेज़ी दिखाना शुरू भी करेगा, क्योंकि जब बड़े लोग उस क्षेत्र में चल जाते हैं जो छोटे लोग भी वो काम करते हैं, तो फिर वो छोटे काम वाले भी चीज़ें थोड़ी सी पनप जाती है। तो काम तो सही है, लेकिन एक बंदे ने जो कमेंट किया है ना कि ये बताएगा आप जेपी पावर का भविष्य, सर भविष्य तो मैं आपका भी बता दूंगा, अपनी जन्म तिथि भेजो, आपका पूरा भविष्य बता दूंगा, एक्चुअल बता दूंगा, सामने बैठोगे तो और कुछ भी बता दूंगा। इस चीज से मुझे चैलेंज मत करो सर कि मैं जेपी पावर का भविष्य बता रहा हूं, मैं जेपी पावर के काम बता रहा हूं सर, और वही आज आपको शेयर प्राइस में देखने को मिला कि इतनी गिरावट के बाद भी जेपी पावर सुजलोन एनर्जी तेजी के संकेत आपको दिखाने को मिले। तो ऐसी भाषा मेरे चैनल पे बिल्कुल भी यूज ना करें कि मैं भविष्य बताऊंगा वो बताऊंगा, भविष्य तो मैं इंसानों का बताता हूं सर, शेरों की तो मैं चाल बता देता हूं देखकर, ध्यान रखना मेरी बात इस बात का। तो ये तो चलो कमेंट की बात थी, मैंने आपको बता दी कि ऐसे ऐसे लोग भी कमेंट करते हैं। तो इन सब की बात करने से पहले एक चीज़ आपको और बताऊं, मैंने आपको कई बार कहा कि अपने प्रॉफिट पर हमेशा आपको ध्यान देना चाहिए। मार्केट आपको 80 बार नीचे जाते हुए और 20 बार ही सिर्फ ऊपर जाते हुए दिखाई देती है। जब 80 बार का ग्राफ हमारा नीचे की तरफ आ रहा है तो हमें अपने प्रॉफिट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिसकी वजह से आप अपने पोर्टफोलियो को ज़्यादा अच्छा कर सकते हो सर। देखो, अगर किसी के भी पोर्टफोलियो में 10 शेयर हैं, यानी 10 कंपनियों के शेयर हैं, 20 कंपनियों के शेयर हैं, या ज़्यादा भी हो सकते हैं, मिनिमम 20 मान के चलते हैं सर, तो 20 कंपनियों में सर होल्ड करने वाले जो हमारे शेयर होने चाहिए ना, 5 होने चाहिए, जिसमें अच्छे अच्छे वो शेयर होने चाहिए। SBI हो गया, टाटा पावर हो गया, L&T हो गया, HDFC बैंक हो गया, इस तरीके के वो शेयर होने चाहिए जो हम लॉन्ग की तरफ रख सकते हैं। लेकिन 15 शेयर ऐसे होने चाहिए कंपनियों के जिसे हम प्रॉफिट पे निकाल भी सकते हैं, जिसका सिर्फ 90% तो प्रॉफिट और 10% ही उसका चांस होता है वो मल्टीबैगर बनेगा, ध्यान रखना। तो 90% के लिए हमें 90% की तरफ चलना चाहिए, और उन 15 शेयरों में हमें अपना प्रॉफिट जरूर देखना चाहिए। देख लो सर, आज भी आपका जो प्रॉफिट आ रहा होगा वो आपका रेड था में बदल गया होगा। तो ध्यान रखिए सर, बिल्कुल सही चीज समझाता हूं, किसी को खरीदने के लिए, किसी को बेचने के लिए नहीं बता रहा हूं, लेकिन एक ऐसी चीज बता देता हूं जिससे आपको एक दिशा मिलती है कि हाँ, इस तरीके से भी मार्केट में काम होता है सर। हमारे जैसे जो लोग होते हैं ना सर, जिनके पास अलग काम भी होता है, तो वो ज्यादा दिमाग ना शेयर मार्केट में लगा नहीं पाते। ऐसे कुछ लोग हैं जो शाम को 5 बजे घर आते हैं, रात को आते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो मैं बनाता हूँ सर, लेकिन जो ज़्यादा एक्सपर्ट है ना उनके लिए मेरी वीडियो समझ में नहीं आएगी उनको, क्योंकि वो तो अपनी हवा में घूमते रहते हैं लोग। तो जो काम करने वाले बंदे हैं उनको मेरी वीडियो समझ में आएगी, हाँ इस तरीके से भी काम होता है, और वो काम होता है सर। ध्यान रखना सर, शेयर मार्केट को बिल्कुल हल्के में ले लो और आपकी किस्मत पलट जाएगी, तेज़ी में लोगे कुछ भी नहीं होने वाला। तो 20 अगर कंपनियों के शेयर है, 5 आपको होल्ड करने चाहिए, और 15 में तो जब भी आपको प्रॉफिट है आपका प्रॉफिट आपको देखना चाहिए, इससे आपकी इन्वेस्टिंग बढ़ती जाएगी। और बहुत से लोग कहते हैं सर पैसा लाया डाल दिया, तो सर आप पैसे डालते रह जाओगे, पैसे कभी निकालोगे नहीं। तो जितना पैसा आपने लगाया उन्हीं पैसों से थोड़ा सा बढ़ाकर दिखाइए उस चीज़ को,
अगर आप ज्यादा पैसा लगा के उसे और बढ़ाना चाह रहे हैं तो वो पैसा तो आपका जा ही रहा है सर। फिर ध्यान रखिए, ये मार्केट है, इसको आपको थोड़े से इसके गुण तो समझने पड़ेंगे, ये चाल कैसे चलती है। कुछ भी चीजें हो रही हो, न्यूज इफेक्ट डाल देती है। तो बात करते हैं सर जेपी इंफ्रा की। सर जेपी इंफ्रा की इसलिए भी बात करेंगे, एक तो सर ये जेपी ग्रुप का शेयर है और आपको पता है कि ये यमुना एक्सप्रेस और रियल इस्टेट से भी ये वास्ता रखता है, काम करता है। तो कई लोग इसके अंदर अपनी तलाश हजारों तक की देख रहे हैं कि ये 400 में जाएगा, 500 में जाएगा, 100 में जाएगा, 200 में जाएगा, 25 में जाएगा, 30 में जाएगा। तो ऐसा कुछ भी इस शेयर के साथ नहीं होने वाला। मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर, जिस तरीके से इसका नाम टाटा पावर के साथ जुड़ चुका है कि ये टाटा पावर के साथ मिलकर चार्जिंग स्टेशन यानी कि ईवी के जो चार्जिंग होते हैं उसके लिए काम, तो बहुत बड़ा समझ लिया कि ये टाटा पावर से काम जुड़ गया है। तो ये भी आपको देखना चाहिए कि ये काम मिला है तो ये कितना मिला है, इनको काम ज़्यादा मिला है या कम मिला है। हजारों करोड़ों में मिल रहा है काम तो वो अलग बात हो गई, और जो कुछ आपको पता है कि 60 से अधिक ये चीज़ें कर रहा है तो वो चीज़ें इसके अंदर सिर्फ आपको न्यूज के बेस में दिखाई दी कि इसने तेजी आपको दिखाई है। एनसीएलटी में भी इसका एक मामला जो चल रहा है सर, इसको भी आपको समझना चाहिए। 13 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं, जो 40 बायर हैं यानी कि इन्होंने फ्लैट देने का जो वादा किया था ना सर, 13 साल से वो इंतजार कर रहे हैं और उनको फ्लैट अभी तक भी नहीं मिला है। हालिया प्रक्रिया से ये कंपनी गुजरने वाली है, ये भी आपको समझने की एक चेष्टा अपने दिमाग में डालनी चाहिए सर। बीते दिनों एक न्यूज निकल कर आई थी जिसमें सरकार ने एक बैड जो बैंक बनाया था NARCL, उसके अंदर ना जो कंपनियों का ज़्यादा बैंक से जो कर्जा ले लेती हैं उसका जो ज़्यादा कर्जा चढ़ जाता है वो वापस नहीं आता, उसे बैड लोन में ही उसको डालने के लिए एक सरकार ने रणनीति बनाई थी जिसके अंदर GTL लिमिटेड और JP इंफ्रा सहित 15 कंपनियाँ थी जिनका जो बेकार का लोन है ना वो बैड लोन में डालने वाले हैं, थोड़ा कर्जा इनका कम करके उसमें डालने वाले हैं। तो ये भी सारी चीज़ आपको इसके अंदर समझनी चाहिए सर। एक साल से ये शेयर आपको 4.5-5 रुपए से और 1.5 रुपए तक के ही मिल रहा है, तो ये भी इसके अंदर एक ऐसी चीज डाल रहा है कि ये शेयर जब से इसी रेंज में घूम रहा है। एक होता है ना सर, अगर मैं कहीं जा रहा हूं और मेरे साथ शाहरुख खान जी साइड में खड़े होकर मेरे साथ फोटो खिंचा ले तो मेरे घर वाले तो कहेंगे यार शाहरुख खान के साथ फोटो खिंचा ली तेरी। अरे अपनी औकात तो हमें पता है सर, अपनी औकात तो हमें पता है, उन्होंने वो जा रहे थे, मैंने फोटो खिंचवा ली है, दोस्त तो है नहीं मेरे वो शाहरुख खान, दोस्त तो है नहीं ना। समझ लो सर इस बात को कि अगर किसी कंपनी का बड़ी कंपनी से नाम जुड़ जाता है तो वो काम के लिए जुड़ा है, और वो तो जेपी इन्फ्रा में मेरी जो दृष्टि कह रही है कम शेयरों के साथ बैठना चाहिए, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा पैसा डूबने का खतरा, ये भी आपको समझना चाहिए सर। देखो मैं हर चीज़ आपको खुल के बता देता हूँ, ऐसा चैनल कहीं आपको मिलेगा भी नहीं। ये सारी चीज़ें मैं छुपा भी सकता हूँ, कह दूंगा हाँ बहुत बढ़िया जी टाटा पावर के साथ लो, ये कर लो वो कर लो, ऐसे बहुत से भी चैनल आपने देखे होंगे, लेकिन अगले दिन जो इफेक्ट शेयरों में पड़ता है फिर वो अपना मुंह भी छुपाते हैं, वो कभी आपका कमेंट का जवाब भी नहीं देंगे, ध्यान रखना शकल तक नहीं दिखाते वो अपनी। तो इस चैनल पे आपको सिर्फ एक दृष्टि बनाई जा रही है, ये नहीं बताया जा रहा कि आपको ये खरीदना है जी, ये बेचना है जी, बस ये बता दिया जाता है इसने ये काम किया, ये इसके अंदर न्यूज आई है, फिर अपनी साइकोलॉजी जो होती है उसको आपको बनाना पड़ेगा। तो ये जो सारी चीजें मैंने आपके अंदर बता दी है कि जिस तरीके से 13 साल से लोग इंतजार भी कर रहे हैं और इसका जो बैड लोन में भी इसका नाम आ चुका है, तो कहीं ना कहीं आपको ये सारी दृष्टि आपको अपने आप बनानी चाहिए। देखो सर मैं तो इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक दृष्टि ऐसी बना सकता हूँ कि आपको पता लग जाएगी हाँ भाई किधर गड्ढा है किधर गड्ढा नहीं है, ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए। बात करेंगे सर GTL इंफ्रा की, और GTL इंफ्रा की सर मुझे लगता है कि लोगों की जो आस है ना वो कभी पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि इसके अंदर लगातार कमेंट आ रहे हैं सर इसके अंदर हमें करना क्या है। देखो सर मैं हजार बार आपको बता चुका हूं कि इस शेयर में कुछ भी अभी नहीं होने वाला है, अगर इस शेयर में कुछ होगा सर 5 रुपये पार करके ही तो होगा, अगर ये 50 रुपये में शेयर जाएगा तो पहले 5 रुपये में आएगा सर, ये छोटी सी बात है सर। किसी जगह जाने के लिए जो बीच बीच में स्टॉपेज आते हैं उसे तो हमें पार करना पड़ेगा ना सर, तो हमारा जो स्टॉपेज इसके अंदर 5 रुपये का है, पहले 5 रुपये तक तो जाके दिखाए सर। देखो सर शेयर इसके मेरे पास भी है लेकिन वो तो बहुत कम है, उसकी उम्मीद है ही नहीं कि पैसे भी जब वापस आएंगे, मैंने भी आपको कहा था कि इस तरीके से उम्मीद इसके अंदर रखनी है। GTL इंफ्रा एक ऐसा शेयर है कि ये टावर के साथ जुड़ गया, काफ़ी टावर इनके पास हैं और यही उम्मीद उन नए जो इन्वेस्टर होते हैं ना उनके अंदर लग जाती है, भाई टावर का काम कर रहा है। देखो सर जो भी चीज़ खुल के सबके सामने आती है ना उसके मायने अलग अलग निकाल लेते हैं लोग, तो ज़्यादा खुश नहीं होना है सर, इसमें उतना पैसा लगाइए जितना पैसा आप इसके अंदर सहन कर सकते हो।
5G भी लॉन्च होने वाला है, स्पेक्ट्रम की निकली है, BSNL भी 4G के लिए बड़ी तेजी से तैयारी कर रहा है, तो वो चीजें जो टावर में काम कर रहा है फिर इसके शेयर प्राइस में क्यों नहीं देखने को मिल रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर इसको मल्टीबेकर शेयर दोबारे से बनना है तो ये 5 रुपए को पहले पार करेगा। आप अपने दिमाग में डालोगे ये 5 रुपए पार करेगा तो 7 रुपए भी खरीद लूंगा इसको, ध्यान रखना कि 5 में जाएगा तो 7 में भी खरीद लूंगा, 7 में जाएगा तो 10 में भी खरीद लूंगा, और जब ये 20-25 रुपए में भी जाएगा लगातार भी, चलो इसने अपर सर्किट मार दिया तो कहीं ना कहीं तो खोलेगा सर, और जब ये मजबूत हो जाएगा एक जगह ये घूमता रहेगा तब भी आप खरीद सकते हो, तो इन पैसों को आप अच्छे अच्छे शेयरों में भी लगा सकते हो। मेरे कहने का मतलब सर ये है, आपको ये बात समझनी चाहिए। मैंने आपको इसलिए GTL इंफ्रा के बारे में कमेंट पर वीडियो बनाई है कि इसके अंदर कुछ ऐसी न्यूज़ तो आ नहीं रही जिससे आप खुश हो जाओ, बस यही दिख रहा है कि 4G में अच्छा काम हो रहा है, 5G में अच्छा काम हो रहा है, और अपने ख्यालों से हम इसमें टावर जोड़ते जा रहे हैं, टावर ये लगाएगा ये लगाएगा ये लगाएगा, जब लगाएगा तो वो प्राइस में नजर आएगा, जब नजर आएगा तो तभी खरीद लेंगे इसको हम, तो कम शेयरों के साथ इस शेयर के साथ बैठना चाहिए सर, ये भी आपको देखना चाहिए। अगर इतना ज़्यादा अच्छा शेयर होता तो 1.35-40 रुपए में ना मिलता फिर ये, आपको खरीद ही नहीं पाते आप, ये भी ध्यान रखना, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, और किसी को बेचने की किसी को खरीदने की चांस नहीं बता रहा हूँ मैं, फिर बोल रहा हूँ कि आप सोचो मैं से मना कर रहा हूँ, जो आपका दिल करे करो, लेकिन उसके तथ्य भी आपको जानने पड़ेंगे सर। तो बात करते हैं, पहले नेपाल की बात कर लेते हैं सर। नेपाल ने जो अपने जल विद्युत के 4 प्लांट हैं, ये बीच में मुझे भी याद आएगा, मैंने न्यूज़ देखी थी, तो उसने बिजली देने का एक सरकार को लेटर दिया है कि सर आप हमारे से बिजली भी ले सकते हैं, हमारे पास ज़्यादा बिजली उत्पन्न हो रही है, तो निर्यात करना चाह रहा है नेपाल। कहाँ पर करना चाह रहा है? 111 मेगावाट बिजली जो अतिरिक्त देने के लिए वो सरकार से बात कर रहा है, यानी कि आने वाला जमाना आपको यहाँ से दिख रहा है कि जल से बिजली बना रहा है, 4 प्लांट है उसके जल के, तो यहाँ पर कौन सा शेयर मजबूत हो रहा है सर? NHPC मजबूत हो रहा है, क्योंकि जल से बिजली बनाकर वो इंडिया में दे रहा है। और अभी एक न्यूज़ निकल कर आई थी कि NHPC ने 18,000 करोड़ रुपये नेपाल में 2 परियोजना के लिए अपनी अभिलाषा रखी है, वो दोनों परियोजना जल विद्युत में है, ये भी आपको देखना चाहिए। और नेपाल की आज एक वीडियो निकल कर आई थी जिसमें वो 4 प्लांट से अपनी बिजली जो बन रही है वो भारत को देना चाहता है। बाद में वो तो बाद में डिसाइड होगा कि सरकार के पास क्या हस्ताक्षर होते हैं कि भाई देगा नहीं देगा, लेंगे नहीं लेंगे, ये बात की बात है, लेकिन दिशा दिखा दी है NHPC में, ध्यान रखना सर। तो बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया में, और वोडाफोन आइडिया में इसलिए बात करेंगे क्योंकि जो मेरा एक मकसद था वोडाफोन आइडिया में स्टेप बाय स्टेप बढ़ने का था। मैंने आपको बताया था कि वोडाफोन आइडिया की किस्मत स्पेक्ट्रम की नीलामी और स्पेक्ट्रम की नीलामी के पैसे देने के बाद बदलेगी, लेकिन साथ साथ ये भी बताया था कि फंड जो आना है वो भी आना है और सरकार का जो स्टेक है वो भी होना है। तो एक न्यूज़ जो मैंने बीते दिनों देखी थी जिसमें कहा था कि भाई स्पेक्ट्रम नीलामी तो हो चुकी है, 4G में ज़्यादा 5G के लिए काम कर रहा है, यहाँ पर हमें शेयर मजबूत हुआ था सर। लेकिन एक मसला क्या है कि जो सरकार इसके अंदर अपना स्टेक 32% हो 33% जो भी है, वो कन्वर्जन कब तक होगा इस बात का इंतजार है, और उसके बाद ही 20,000 करोड़ जो भारी निवेशक हैं लाने वाले हैं, इसमें डालने वाले हैं, वो तभी खुल के बाहर आएंगे जब सरकार इसके अंदर अपना स्टेक लेगी। ये बीते दिनों रविंद्र ठक्कर जी ने भी आपको बताया है सर। तो कहीं ना कहीं अब दूसरा पड़ाव हमारा सरकार के जो स्टेक पर टिक गया है, उसके बाद ही फंड की उम्मीद है। और काफ़ी न्यूज़ चैनल में भी ये बता रहे हैं कि ये 15 को भी टच कर सकता है सर, करे ये 16-25-30 को भी। लेकिन मैंने आपको कहा ना सर, मैं ज़्यादा खुश नहीं होता, मैं खुश इसलिए नहीं होता क्योंकि मुझे पता है कि पड़ाव भी तो पार करने है किसी चीज़ को। अगर मुझे कुछ सीढ़ी दिख गई सर और उसमें मुझे चढ़ना है और चढ़कर मुझे अमृत मिलना है तो मैं खुश नहीं हो लूंगा। मैं जब खुश होऊंगा जब मैं उसे पी लूंगा, जब मैं चढ़ चढ़ के आराम से, तो बीच में डंडे डुंडे टूटे होंगे तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। तो सरकार इसके अंदर जो 33% का स्टेक लेने वाली है, देखो सर अगर आपके पास शेयर है और मेरे पास शेयर है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने बहुत अच्छा काम कर लिया इस शेयर लेके। अच्छा काम तब होगा जब उस शेयर में हम टिके रहेंगे और उसके पड़ाव को देखेंगे। तो शेयर मार्केट पड़ाव का काम है। कौन सी न्यूज निकल कर आ रही है, सरकार का स्टेक की बात क्यों आ रही है? जब क्यों आ रही है बात हो जाती है ना, जब न्यूज में आ जाती है तो उससे मसला होता है उसका शेयर प्राइस के ऊपर नीचे बढ़ने का। अभी न्यूज निकल कर आ जाए रात को कि 20,000 करोड़ रुपए वोडाफोन आइडिया में आ रहे हैं, 2-3 दिन लगातार अपर सर्किट मार देगा ये, वो तब आएगा जब सरकार इसके अंदर स्टेक लेगी। तो एक पड़ाव आपको और पार करना है। अब कौन सा? सरकार वाला। सर सर को बिल्कुल सच्चाई वाली बात बताऊंगा, इसलिए लोग मेरे से जुड़ रहे हैं कि मैं खुल के बता देता हूँ। और छुपाना क्या है सर इसमें? जो चीज़ न्यूज़ में आ रही है वो मैं आपको अलग तरीके से बता रहा हूँ कि भाई ऐसा भी हो सकता है। ध्यान रखिए सर, वोडाफोन आइडिया आने वाले दिनों में आपको अच्छे टारगेट जरूर दिखाएगा,
क्योंकि अब ये बुलिश हो रहा है, आज भी इतनी मार्केट गिर रही है और लोग कह रहे हैं सर मार्केट क्यों गिर रही है। मैंने कई बार कहा सर रीजन मत ढूंढो कि मार्केट क्यों गिर रही है, खुद को ढूंढो कि हमें अपना प्रॉफिट बचाना कैसे, हमें काम कैसे करना है। मार्केट के तो काम गिरने का है, काफ़ी लोग मार्केट गिरने से परेशान हो रहे हैं, लेकिन उन्हीं में से 10% लोग खुश भी होते हैं कि अब मौका मिला भाई, अब मज़ा आ गया, अब तो खरीदेंगे बढ़िया। तो मार्केट नहीं गिरेगी ना सर तो मज़ा भी नहीं आएगा। जो शेयर आज हमारे पास 100 रुपये में वो 80 रुपये में दूसरों को नहीं मिलेगा तो उनको कैसे मजा आएगा, दुख तो हमें होगा ना। तो ये भी आपको समझना चाहिए कि मार्केट गिरती है, किसी की भलाई के लिए भी गिर रही है, किसी को इन्वेस्ट करने के लिए भी प्रेरित कर रही है। तो हर चीज़ प्रॉफिट नहीं देखी जाती, लॉस में भी जीने के तरीके खोजे जाते हैं इस मार्केट में सर। तो वोडाफोन आइडिया की किस्मत फिर दोबारा से किस वजह से पलटेगी सरकार के स्टेक से, ये छोटी सी एक वीडियो आपके लिए, इसके अंदर मैंने आपको बताया, समझना पड़ेगा। तो जेपी इन्फ्रा में सर कम दिमाग लगा लो, जीटीएल इन्फ्रा में थोड़े शेयरों के साथ बैठ जाओ अगर बैठना है तो, सिर्फ 500,000 इससे ज़्यादा नहीं। और वोडाफोन आइडिया में उम्मीदों के किरण जगा के रखो, क्योंकि ये भी अभी आपको थोड़े से अच्छे टारगेट दिखाने के लिए तैयार हो रहा है। और नेपाल ने बता दिया कि एनएचपीसी में भी कुछ संभावनाएं आगे जाकर हमें दिख सकती हैं। तो यही चीज़ें होती हैं सर मार्केट में, इसको देखना पड़ता है। कोई लोग देख लेते हैं, कोई नहीं देख सकते, और जो नहीं देख सकते उनको मैं दिखा रहा हूं। और दिखा के जो समझ गए वो सही है, जो नहीं समझते वो कमेंट करेंगे, वो कमेंट ऐसे करते हैं फिर मुझे उनको जवाब देने का दिल करता है। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।